बेसिक इनपुट थी कि क्रिमिनल का मूवमेंट हो रहा है और चाह रहा था उन्होंने 2 बजे से चेकिंग लगा रखी थी और चेकिंग के परिणामस्वरूप जो है मोटरसाइकिल पर आया वहाँ पर हमारी पुलिस पार्टी उन्होंने फायर किया। फायर के दौरान वेपन्स बरामद हुआ, एक एक्यूज को हमने अरेस्ट किया, एक्यूज प्राइमा फेसी माइक्रोबायोलॉजी से वो पढ़ा हुआ है किया और उसके जो 2 साथी फरार हुए वो भी हम लोग उसके तलाश में हैं। वो जिस फ्लैट में रहते थे वहाँ पे हमारी रात में टीम गई थी 2-3 दिन पहले, वहाँ से अपना सामान शिफ्ट कर गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि 1 दिन पहले सामान शिफ्ट करना और अगले दिन जखीरे के साथ पकड़ा जाता है, ये कहीं ना कहीं एक इनके जो बड़ी वारदात को अंजाम देने का एक प्लान था। जिस तरीके से फायर पावर है जाहिर सी बात है इन्होंने बहुत बड़ा प्लान किया था और जो इनपुट थे उसके आधार पर अरेस्ट हुए हैं। मेरी वहाँ पे बात हुई, वहाँ पे जो महीने में रह रहे थे जो फ्लैट के आसपास, अच्छा सर, उन लोगों का भी ये कहना था कि यहाँ पे शाम के समय या लेट नाइट लड़कों का मूवमेंट होता था। अब उनको ये नहीं मालूम था कि ये जो लोग हैं एक्चुअल में ये क्रिमिनल है, क्योंकि जब पुलिस हमारी टीम गई और उन्होंने बताया कि इतने बड़े वेपन्स बरामद हुए हैं, उन्होंने बड़े भौचक्के थे और उन्होंने बड़ी राहत के साथ, हम लोग डिटेल इसमें और तहकीकात कर रहे हैं। किस तरीके का असलाह है ये? इसमें ऑटोमेटिक भी है, जैसे पिस्टल हमारी है, पिस्टल की कारतूस और पिस्टल की फायर पावर और प्लस हमारी कंटीमेंट पिस्टल बंदूक राइफल, ये उनकी अच्छी फायर पावर है। 7 वेपन्स रिकवर हुए हैं, ये 7 वेपन से 3% जो 2 फरार हैं और 1 एक्यूज हुआ आज जो हुआ भागा है, इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी उनके पास वेपन थी। प्लस हमारे पास 2 मैगजीन मिली, वो वेपन्स बरामद नहीं है, इसका मतलब कि जो एक्यूज फरार हुए थे ऑलरेडी उनके पास वेपन्स थे। तो इसका मतलब इतनी बड़ी फायर पावर लेकर के जाना अपने आप में एक बड़ी इंसिडेंट की तरह इंडिकेट करता है। किसी रंगदारी या किसी व्यापारी की, अब इसमें हम लोग डिटेल तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन हमारी पुलिस टीम ने बड़ी इसमें इनको अरेस्ट किया है और एक बड़ी वारदात को हमारी पुलिस ने छोटा पुलिस ने ऐसे हथियार कहाँ तैयार हो रहे हैं कुछ जानकारी मिली? रंगदारी मांगी जा रही है, क्या है ये मामला? जो क्रिमिनल है वो उसी गांव का है और उस गांव में प्राइमा फेसी पार्टी बन भी रही है, इसको लेकर के मैडम हुआ है और मुकदमे हैं दोनों तरफ से और हम लोग उस पर जो बनाया था उस पर हम लोगों ने डिटेक्ट किया है और उस पर काफ़ी हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे बताना उतना उचित नहीं होगा। और जो सेफ्टी सिक्योरिटी के गांव में प्रॉपर हमने सेफ्टी सिक्योरिटी लगा रखी है, सभी परिवार सुरक्षा दे रखी है, हमारी पुलिस गाँव में तैनात है और जल्दी ही हम उसके अंदर पकड़ेंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात यह कि रंगदारी का मामला है, आपसी रंजिश का मामला है या सिर्फ रंजिश में जोड़ा जा रहा है? नहीं, अब आप उस गांव में देखेंगे तो वहाँ पर गाँव का ही जो क्रिमिनल है वो उसी गाँव का रहने वाला है, बाहर का नहीं, वो भी उसी गाँव का रहने वाला है। प्रधान से उसकी रंजिश पहले हुई, फिर उसके बाद एक दूसरे परिवार दूसरे रंजिश के साथ धमकी थी, उसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई, बाकी को हम लोगों को पकड़ करके भेज दिया है जेल में, सभी लोग जेल में हैं, सभी पे गैंगस्टर लगा हुआ है, लेकिन एक एक जमीन पे अरेस्ट नहीं हुआ है, उसमें हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी उसको अरेस्ट करेंगे जेल में और बाकी सेफ्टी सिक्योरिटी परिवार को पूरे गाँव को हम लोगों ने दे रखा।